हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। तो आज मैं आपके लिए न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आपका जो राष्ट्रीय केमिकल फैशन द्वारा आपका जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हो गया है, उसी के बारे में आप लोगों में वीडियो शेयर करने वाला हूँ। आप लोग कैसे अप्लाई करना हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी का आइडिया रहेगा, कहाँ पर आपका फिर से पोस्टिंग हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखिए, और हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज़ आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो उस चैनल पर जाके भी आप लोगों को जो कम्युनिटी पेज है, इस कम्युनिटी पेज में जाके आप लोगों वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स का कॉम्पिटेटिव बुक्स आपका पर लिंक को मिल जाएगा। वेरियस सोर्स लिंक पर जाकर डायरेक्ट आप बुक्स वगैरह खरीद भी सकते हो। तो कोई भी बड़ा जबरदस्त नहीं है। अगर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव का तैयारी करनी होगी, आपको बुक्स नहीं मिल रही, आप लोगों को डायरेक्ट आप लिंक पर जाके अमेजोन लिंक पर जाके आप डायरेक्ट बुक्स भी खरीद भी सकते हो। तो कोई भी बात जबरदस्त नहीं है। अगर आप लोग पसंद आए तो ही आप लोग खरीदना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। सो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आपको जो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अंडरटेकिंग यहाँ पर आपको आता है। सो यहाँ पर आपका वेरियस पद में आपका जो न्यू रिक्रूटमेंट आपका जारी हो गया है। तो पहला आपका जो पोस्ट है, आपका जो एक्सरे टेक्नीशियन है, तो उनके जो आपका जो नेम ऑफ पोस्ट कोड भी दे दिया है, ये लोग देख सकते हैं। सब मैं आपको ग्रेड टू की सबसे A6 को सैलरी मिल जाएगा, जो का बेसिक सैलरी लेगा 22,000 रुपये का बेसिक सैलरी रहेगा। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर एक ही वैकेंसी दे दिया है, और एक ही आपको OBC NCL में आता है। तो क्वालिफिकेशन एज पर आप लोगों को रेगुलर फुल टाइम 12th पास आउट होना होगा, एंड टू ईयर आपको डिप्लोमा भी कम्प्लीट करना होगा इन एक्सरे, रेडियोग्राफी, मेडिकल, जो आपका UGC और AICTE आपको अप्रूव होना होगा। मिनिमम पास करने से आपको 55% पास करने को लास्ट टाइम वो रखना भी होगा, ठीक है। सो अपर एज लिमिट दे दी आप लोगों को 34 ईयर्स इन OBC आप लोगों को कैटेगरी में एज का रखना हो। तो एडिशनल कंसेशन फॉर चिल्ड्रेन, फैमिली मेंबर, विक्टिम, फॉर राइट्स, एक सर्विसमैन 5 ईयर्स वो दे दी आप लोगों को, ठीक है। सो दूसरा भी पोस्ट के द्वारा कुछ भी इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए है, मैं बाद में बोलूंगा। उसके बाद आता है आपका जो पर एक्सपीरियंस भी दे दिए। एक्सपीरियंस आपका पर मिनिमम को 2 ईयर्स आपको रिविलियन एक्सपीरियंस रखना होगा, रिविलियन आपको ट्रेड में और क्वालिफिकेशन में। सो ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल नॉट कंसीडर्ड द एक्सपीरियंस। सो प्लीज ध्यान से आप लोग सुनिए, ठीक है। दूसरा आता है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दे दिया है आप लोगों को, जब जो पोस्ट के द्वारा इस पर आप लोगों को पूरा नहीं दिया गया है। सो इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में आपको जो दूसरी जो PDF है उसमें आप लोगों को मैं बोल दूंगा, क्योंकि इस PDF में आप लोग देख सकते जो डिपार्टमेंटल के द्वारा जारी किया गया था आपको जो PDF, इसी PDF में आप लोगों को सिर्फ एक ही पोस्ट का क्वालिफिकेशन दिया है, बाकी के पर नहीं दिया है, ठीक है, आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। सबका आता है जो दूसरा आपका जो एडवर्टाइजमेंट में, तो डिपार्टमेंट अगर एक गलती किया है, सो मैं यहाँ पर आप लोग शेयर करना चाहता हूँ। जो डिपार्टमेंट तीनों का द्वारा पोस्ट निकला, तो तीनों का अलग अलग यहाँ पर आप लोगों को मालूम नहीं है, तीनों का अलग अलग यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो बाकी सब कुछ तो बस सेम है, जो पोस्ट और क्वालिफिकेशन सैलरी यहाँ पर अलग अलग PDF में डाल दिया है। एक डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी गलती पर किया है, बाकी लोगों को बहुत गलती हो जाएगा, क्योंकि एक ही PD में हो तो आप लोगों को पास सुविधा होगा, ठीक है। तो दूसरा पोस्ट होगा जो टेक्नीशियन है, आप लोग टेक्नीशियन को मैकेनिकल में ट्रेनिंग पोस्ट को दिया गया है। सो यहाँ पर आफ्टर ग्रेड टू का आफ्टर कंप्लीशन 1 ईयर ट्रेनिंग पे स्केल आपका 22,000 रुपये रहेगा। यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपका आता है 38 वैकेंसी आता है। सो यहाँ पर आपका जो टोटल वैकेंसी जो पर जो पर रिजर्वेशन है भी आपको चेक चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आप लोगों को फुल टाइम रेगुलर 3 से डिप्लोमा कंप्लीट करना होगा, जो मैकेनिकल आपको जो एलेंस ब्रांच है तो मैकेनिकल में वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके पहले आप लोगों को अप्रेंटिसशिप का जो वेबसाइट रहता है उसमें भी आप लोगों को जो अप्रेंटिसशिप बी और ट्रेनिंग अंडर 1 ईयर्स ट्रेनिंग अप्रूव किया है तो भी आप लोगों को कंप्लीट करना होगा सक्सेसफुली आप लोगों को, ठीक है। दूसरा है आप लोग जो कैंडिडेट्स भी साइंस 12th साइंस और डायरेक्ट एडमिशन जो किया है 3rd सेमेस्टर में, सो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पर एलिजिबल किया गया है, ठीक है। सो और आता है आपका जो भी अभी इंस्ट्रक्शन दे दिया है, मतलब आपका जो मिनिमम परसेंट क्या रखना पड़ता है, तो इसमें भी आप लोगों को जो क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप लोगों को 55% मार्क्स रखना होगा लास्ट ईयर में, और डिप्लोमा कोर्स में आप लोगों को 50% रखना हो जो SC ST है उनके लिए। सो एज क्राइटेरिया आप लोगों को दे दिया है, मतलब जो अनरिजर्व दे दिया EWS के द्वारा, उनके लिए दे दिया आप लोगों को 29 ईयर्स, और जो SC ST के लिए उनके पास सर मतलब 35 ईयर्स, और OBC के लिए 32 ईयर्स 32 ईयर्स दे दिया है,
और अलग से छूट मिल जाएगा जो इस के फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको छूट मिल जाएगा। और नहीं तो इस क्वालिफिकेशन में आप रख सकते हैं आपको 4 ईयर्स 4 ईयर्स 8 सेमिस्टर, तो 3/1 3/2 ईयर्स 7 सेमिस्टर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल में तो भी आप पेपर अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें इस क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। दूसरा आता है जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में आता है, इसमें भी आप लोग सेम सब सेम दे दिया है आप लोग। इसमें आप लोग वैकेंसी दिया है 16 वैकेंसी दे दिया है। इसमें आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए 3 ईयर्स डिप्लोमा कम्प्लीट करना है इलेक्ट्रिकल अलायंस ब्रांचेस में, ठीक है। और नहीं तो जो बार इलेक्ट्रिकल में अलग से उसमें पर अप्लाई भी कर सकते हैं भाई सेम है। तो उसमें भी सेम आपका क्वालिफिकेशन दे दिया, सेम परसेंट रखना करता है। इसमें मैकेनिकल के द्वारा बहुत इलेक्ट्रिकल को रखना पड़ता है। दूसरा आता है जो टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग में, इसमें भी आप लोगों को सेम दे दिया। इसमें वो तो 12 वैकेंसी है, सब लोग ये भी आप देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को फुल टाइम रेगुलर बीएससी फिजिक्स डिग्री आप लोग कम्प्लीट करना होगा फॉर 1 ईयर ड्यूरिंग 3 ईयर्स बीएससी डिग्री पासिंग दिस नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। मिनिमम परसेंट 50% मार्क ना होगा फॉर लास्ट टू सेमेस्टर बीएससी फिजिक्स डिग्री कोर्स बाय 50% एससी उनके लिए। और नहीं तो आप लोगों को फुल टाइम रेगुलर आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन एलाइड ब्रांच में आप लोगों को डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे तो भी आप पेपर एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग खत्म हो गया। अब दूसरा लास्ट पोस्ट में आता है, इसमें आप लोग जो ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग है, तो इसमें भी आप लोगों को सेम दे दिया। इसमें टोटल आप लोगों को 181 पोस्ट पर आपको दे दिया है, देख सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपको फुल टाइम और रेगुलर बीएससी केमिस्ट्री कम्प्लीट करना होगा। जो डिग्री आपका यूजीसी और एआईसीटी तो आपको अप्रूव पे होना होगा, ठीक है। और भी मिनिमम परसेंटेज वगैरह दे दिया क्राइटेरिया, देख सकते हो 55% मार्क्स रहना होगा लास्ट में। और आप लोग जो जो एससी उनके लिए 50% मार्क्स पर क्राइटेरिया रखना पड़ता है। और क्वालिफिकेशन देना नहीं तो आपको फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर्स डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में रखना पड़ता है, वो यूजीसी एआईसीटीई के द्वारा आपको अप्रूव भी होना पड़ता है। इसमें वो सेम मार्क्स क्राइटेरिया परसेंटेज आपका दे दिया है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आपका लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन है इसको तो पहले आप लोग देखिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया दे दिया है, ठीक है। सो आता है आप लोग जो पीडब्ल्यू डी इंस्ट्रक्शन दिया, एस सी एस टी ओ बी सी एक्सामिनेशन द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन फीस भी दे दी आप लोगों को। फॉर एप्लीकेशन फी जो है पर पोस्ट उनके मुताबिक एप्लीकेशन फी आप लोगों को 700 रुपीज़ देना होगा, जो आपका नॉन रिफरेबल आपको पर रहेगा, ठीक है। और जो है पर आप लोगों को एस सी एस टी पी डब्ल्यू एस सी एस टी पी डब्ल्यू एक्सामिनेशन फीमेल है, सो उनके लिए पर फ्री है, उन कुछ पैसों को पर नहीं देना होगा। फॉर सैलरियल आधार बेनिफिट भी दे दिया आप लोगों को। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और ट्रेनिंग 1 ईयर्स विल बी पेड कॉन्सिलर स्टाइपेंड 9,700 मिल जाएगा। हॉस्टल एकोमोडेशन क्वार्टर फॉर शेयरिंग बेसिस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड द टू टाइम द ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ विल प्रोवाइडेड बाई एक्सटेंड बाई आर सी एफ हॉस्पिटल। एवेलेबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड बाई आर सी एफ लिमिटेड के द्वारा। सो सक्सेसफुल लोगों को 1 साल ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगा। ए सी ग्रेड जो आपको ऑफिसर रैंक का सैलरी मिल जाएगा, जो आपका आप देख सकते हो जो अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सैलरी पर रहेगा 43,000 पर मंथ को मिल जाएगा। क्या क्या सैलरी मिल जाएगा आपको, जो 22,000 रुपये हो तो उसके साथ आप लोगों को प्लस डीए मिल जाएगा, अलाउंस बॉक्स मिल जाएगा, एच आर मिल जाएगा, फीस एप्लीकेशन रेट वगैरह वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्या क्या एकोमोडेशन मिल जाएगा आप लोग, इम्प्लॉय इंटरव्यू कंपनी एकोमोडेशन मिल जाएगा, डिजायर सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी एच आर ए स्टैंडर्ड टर्म कंडीशन दे दिया आप लोगों को, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिल जाएगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, सेल्फ डिपेंडेंस आपका जो ग्रेजुटी कंट्रीब्यूटी प्रोविडेंट फंड एक्सेल इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी सेम वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दे दिए आपको, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर आपको जो फॉर एग्जाम्पल दो जो कैटेगरी जो ओपन ऑपरेटर केमिकल इसमें आपको इसी टेट आपको वेरियस स्टेट में आप लोगों को यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट का इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो आप देख सकते हो। और ऑनलाइन सेंटर आप लोग कहाँ पर होगा, सबसे मेन चीज़ प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए आप लोगों, लास्ट में एग्जाम सेंटर आप लोगों को मुंबई नागपुर इस दोनों आपको एग्जाम में लिया जाएगा। सेंटर आपको घर मीडियम टेस्ट में मराठी एंड राजभाषा हिंदी इंग्लिश में आपको ऊपर लिया जाएगा। प्लीज सबको ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है।
और भी इंस्ट्रक्शन है, मैं बोलूंगा आप लोगों को जो भी है सो मेंस बोलूंगा। और अप्लाई करने के टाइम प्लीज़ आपको वैलिड ईमेल आईडी आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से डायरेक्ट आप जगह अप्लाई करना होगा, इस वजह से इसी जगह आप लोगों को एडमिट वगैरह कुछ भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसी और से कवर मिल जाएगा। सो एग्जाम डेट को इंस्ट्रक्शन दे दिया आप लोग, ऑनलाइन टेस्ट देगा जो आपको 100% होगा, फिर आप राउंडेड ऑफ 2.02 डेसिमल प्लेसों को लिया जाएगा आप लोगों को। और भी ये सब देख सकते हो, इसी सेंटर आपको रजिस्टर के अप्लाई करना होगा, स्टेप बाय स्टेप क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा, पूरा इंस्ट्रक्शन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ में देख आप लोग देखिए क्या क्या जो इंस्ट्रक्शन है, इसके आप लोग प्लीज़ स्टार्ट से एंड तक पीडीएफ को देखिए, उसके बाद ही आप समझ जाएंगे। तो कब से कब स्टार्ट हो रहा है आपका, जो 30 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है आप लोगों को, और 16 जनवरी आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने से, कुछ काफ़ी टाइम है अप्लाई करने से, ध्यान से प्लीज़ आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलता हूँ मैं, एंड सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, कुछ भी डाउट हो तो एरिया तक कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमको रिप्लाई करना। तो चलते हैं, एंड सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, चलिए गुड।